नमस्कार दोस्तों दोस्तों महानिदेशक स्कूल शिक्षा एसएसबी श्री विजय किरण आनंद जी का यह एक महादेश है। एसएमसी तथा वीईसी की शेष धनराशि से संबंधित है और यह अत्यधिक आवश्यक है। आइए देखते हैं कि महोदय का क्या आदेश है और किस तरह से उसका हमें अनुपालन करना है। जी हाँ दोस्तों, ये प्रस्तुत है आपके सामने आदेश महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय समग्र शिक्षा विद्या भवन निषादगंज लखनऊ सेवा में समस्त खंड शिक्षा अधिकारी समग्र शिक्षा सर्व शिक्षा अभियान समस्त जनपद उत्तर प्रदेश। पत्रांक ये है और ये 5 अगस्त का आदेश है मित्रों। विषय है सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत जनपदों में विद्यालय प्रबंध समिति एसएमसी तथा ग्राम शिक्षा समिति वीईसी के बैंक खातों में दिनांक 31 मार्च 2019 तक अप्रयुक्त अवशेष पूर्ण धनराशि जनपद के नवीन बैंक खाते में जमा कराए जाने के संबंध में। मित्रों, यदि आप हेड टीचर हैं तो यह खबर आपके लिए बहुत ज़रूरी है। फिर से आप हेडलाइन को समझ लीजिए कि उस पैसे को कहां जमा कराया जाना है। विद्यालय प्रबंध समिति एसएमसी और ग्राम शिक्षा समिति वीईसी, ठीक है, इन दोनों के खातों में 31 मार्च 2019 तक अप्रयुक्त अवशेष पूर्ण धनराशि जनपद के नवीन बैंक खाते में जमा कराए जाने के संबंध में, यानी 31 मार्च 2019 तक जो पैसा अवशेष है उस पैसे को जो है जमा कराया जाना है। कहां पर? जनपद के नवीन बैंक खाते में जमा कराया जाना है। आइए देखते हैं मित्रों आगे क्या लिखा हुआ है। महोदय महोदया, उपर्युक्त विषय के संबंध में राज्य परियोजना कार्यालय के पत्रांक ये, ठीक है, दिनांक 29 जून 2020 एवं पत्रांक ये दिनांक 10 जुलाई 2020 के क्रम में महानिदेशक स्कूल शिक्षा के पत्रांक दिनांक 20 जुलाई 2020 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा समस्त जनपदों से राज्य परियोजना कार्यालय को सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत संचालित विद्यालय प्रबंध समिति एसएमसी एवं ग्राम शिक्षा समिति वीईसी के बैंक खातों में दिनांक 31 मार्च 2019 तक अप्रयुक्त अवशेष धनराशि के विवरण की उपलब्ध कराई गई सूचना के सापेक्ष पूर्ण धनराशि को जिला परियोजना कार्यालय के नवीन बचत खाते में 15 दिवस के अंदर जमा कराने हेतु निर्देशित किया गया था, जिसकी अवधि दिनांक 4 अगस्त 2020 को पूर्ण हो चुकी है। समीक्षा के उपरांत 12 जनपद अमेठी, फतेहपुर, हाथरस, कौसाम्बी, महाराजगंज, मिर्जापुर, मुजफ्फरनगर, रायबरेली, सहारनपुर, सोनभद्र, सुल्तानपुर एवं उन्नाव को छोड़कर अन्य जनपदों में 50% से भी कम की धनराशि नवीन खाते में जमा कराई गई है। यह भी उल्लेखनीय है कि कुछ जनपदों को छोड़कर वर्तमान में पूर्ण रूप से संचालित विद्यालय प्रबंध समिति के बैंक खाते की पूर्ण अप्रयुक्त अवशेष धनराशि का जमा न कराया जाना जानबूझकर कार्य के प्रति उदासीनता को दर्शाता है तथा आपके द्वारा की गई अद्यतन कार्यवाही अत्यंत निराशाजनक व लापरवाही का द्योतक है। उक्त के संबंध में आप सभी को अंतिम चेतावनी के साथ निर्देशित किया जाता है कि जनपदों में आपके अधीनस्थ सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत संचालित विद्यालय प्रबंध समिति एसएमसी एवं ग्राम शिक्षा समिति वीवाईसी के बैंक खाते में दिनांक 31 मार्च 2019 तक अप्रयुक्त या अवशेष की पूर्ण धनराशि अपने जनपद के जिला परियोजना कार्यालय के नवीन बचत खाते में दिनांक 14 अगस्त 2020 तक प्रत्येक दशा में जमा कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में अधोहस्ताक्षरी द्वारा अनुशासनात्मक कार्यवाही की प्रक्रिया आरंभ कर दी जाएगी, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे। भौदीय श्री विजय किरण आनंद जी, महानिदेशक स्कूल शिक्षा। तो मित्रों, ये था आदेश। अगर आप हेड टीचर हैं और आपने भी अगर 31 मार्च 2019 तक विद्यालय के जो है एसएमसी और वीईसी खाते में जो अवशेष धनराशि है
उस धनराशि को अगर आप जो है जिला परियोजना कार्यालय के नवीन बचत खाते में अगर आपने अभी तक जमा नहीं किया है तो आप तुरंत उस राशि को जो है इस खाते में जमा करा दें, अन्यथा की स्थिति के लिए आप खुद समझदार हैं, आदेश अपने आप आपको सारी बातें बता रहा है। तो मित्रों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।